आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गर्भावस्था में 10-15% महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज होता है और इसके वजह से उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क की तरफ चली जाती है। मैं हूँ डॉक्टर तेजल देशमुख, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल्स बानेर पुणे, और आज हम बात करेंगे एक अहम विषय पे जो है जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर किसी महिला को 35 साल के ऊपर प्रेगनेंसी रही हो यानी लेट प्रेगनेंसी रही हो तो उनको जीडीएम से खतरा है। ओबेसिटी या ओवरवेट, प्रेगनेंसी से पहले अगर इनका बीएमआई 24 से ऊपर हो तो उनको खतरा है। अगर प्रेगनेंसी रहने से पहले इनको पॉलीसिस्टिक ओवरी या पीसीओएस हो, अगर इनको प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ हो, अगर इनको पिछले प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ हो तो इनमें 50% इनको जीडीएम वापस होने का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी महिला को मल्टीपल प्रेगनेंसी हो या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हो जिनमें इनके माता पिता या क्लोज रिलेटिव्स में डायबिटीज़ हो, अगर पिछले प्रेगनेंसी में इन महिलाओं ने 4 किलो से ऊपर वजन वाले बच्चे को जन्म दिया हो या पिछले प्रेगनेंसी में अचानक गर्भाशय में उनके बच्चे की धड़कन रुक गई हो या उनके बच्चों को जन्मजात व्यंग हो जिसे कंजेनेटल एनोमली कहते हैं, तो ये सब जो महिलाएं हैं वो हाई रिस्क फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ की ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो इसके बच्चे पे कई असर पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को ज़्यादा शुगर जाती है तो बच्चे के पैंक्रियाज ही डिटेक्ट करता है और ज़्यादा इंसुलिन का निर्माण करता है जिसकी वजह से बच्चे को फैट डिपोजिशन होना शुरू होता है और उनका वज़न 4 किलो से ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको हम मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं। इसके वजह से सीजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकेंड होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इन बच्चों को जन्म के बाद ही इनकी शुगर तुरंत गिर जाती है यानी कम हो जाती है और इनको कन्वल्जेंस या फिट आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके वजह से हम हर माँ को बोलते हैं कि बच्चे को बार बार फीड करें। न्यूनेटल जॉन्डिस यानी बच्चे की रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाती है और ये ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। इन बच्चों को पीलिया होने का चांस बाकी बच्चों से ज़्यादा होता है और इसके वजह से इनको NICU में एडमिट होकर फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है यानि पूरे दिन भरने के बावजूद भी ये बच्चे की लंग्स फूल नहीं पाती है क्योंकि इनमें स्टीरॉयड की कमी होती है और इसके कारण इनको NICU में भर्ती करना पड़ सकता है। कार्डियोमायोपैथी यानि बच्चे के हार्ट के विकार हो सकते हैं और इसमें फंक्शनिंग में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ की शुगर अनकंट्रोल्ड रही तो अचानक से बच्चे की धड़कन गर्भ में बंद हो जाती है जिसको इंट्रायूट्राइन फिटल डिमाइस या IUFD कहते हैं, और अनकंट्रोल शुगर के वजह से बच्चे को लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस यानी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे को अर्ली ऑनसेट ऑफ ओबेसिटी या अर्ली ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर आपको रूटीन ब्लड टेस्ट पहले 3 महीने में रिकमेंड करते हैं और 24 हफ्ते के आसपास हर गर्भवती महिला को एक स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंड की जाती है जिसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये टेस्ट में हर महिला को 75 ग्राम्स ग्लूकोज पीने को देते हैं और 2 घंटे के बाद इसका ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर आपको इसमें डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो आपको तुरंत इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल, आपको प्रॉपर डाइटिशियन के साथ सिटिंग करके आपका डाइट कंट्रोल करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने हैं। अगर आपको डॉक्टर्स ने कोई डायबिटीज़ पे मेडिसिन शुरू किया हो या इंसुलिन शुरू किया हो तो आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।